नमस्कार। हर बार जब लगता है कि मोदी सरकार इससे ज्यादा नहीं गिर सकती, वो आपको वाकई में हतप्रभ कर देते हैं, क्योंकि उनकी गिरने की, उनके पतन की, उनके प्रतिशोध की कोई सीमा ही नहीं है। आज सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी के कुछ समन जारी हुए हैं, और केस क्या है? केस 2014-15 का है। 7 साल बाद सरकार जागी है, समन जारी हुए, और समन किस आरोप में जारी हुए? मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन पते की बात यह है कि अगर मनी ट्रांसफर ही नहीं हुआ, अगर संपत्ति ट्रांसफर ही नहीं हुई, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है? और इस केस को समझने के लिए 2 मिनट थोड़ा परे हटके इस केस को देख लेते हैं। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, AJL नाम की एक कंपनी जो कि नेशनल हेरल्ड अखबार को छापती थी, और इस अखबार ने ब्रिटिश साम्राज्य की बुलंदी से खिलाफत करी, उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके खिलाफ कड़े सवाल उठाए, और इसके चलते ब्रिटिश हुकूमत ने नेशनल हेरल्ड को बैन तक कर दिया था। AJL पर समय के चलते 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। 90 करोड़ का कर्ज था, अखबार को चलाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने AJL की 90 करोड़ रुपए की समय रहते थोड़े थोड़े दिनों पर मदद की। और ये मदद इसलिए की गई क्योंकि स्वाधीनता की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, इस देश को एकजुट रहने की विचारधारा चलती रहे और अखबार जीवित रहे, वो सोच जीवित रहे। तो 90 करोड़ रुपए की AJL की मदद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करी। एक और चीज हुई, AJL ने जो प्रायः कंपनीज करती हैं, AJL ने 90 करोड़ के कर्ज को इक्विटी मतलब शेयर में तब्दील किया। ये कानूनी रूप से अलाउड है, ये कंपनीज करती हैं, ऐसा AJL ने भी किया। फिर 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज था वो यंग इंडिया नाम की एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। अब यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 और नई एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत बनी हुई एक कंपनी है। ये कंपनी क्या होती है? सेक्शन 25 के अंतर्गत बनी हुई कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। इसका मतलब होता है कि इनके डायरेक्टर को तनख्वाह, डिविडेंड, 1 रुपए का भी मुनाफा नहीं मिल सकता है, और वही यंग इंडिया के साथ हुआ। 2010 में बनी यंग इंडिया की कंपनी ने, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो राहुल जी हो जैसे डायरेक्टर्स को, 1 भी पैसे का मुनाफा नहीं हुआ। यहाँ पर गैर तलब बात यह भी है कि 90 करोड़ का कर्ज तो ट्रांसफर हुआ यंग इंडिया को, लेकिन संपत्ति चल और अचल दोनों AJL के पास रही, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास रही। तो हाय तौबा क्यों मची? हाय तौबा इसलिए मची है क्योंकि 2015 में ईडी को यह प्रतीत हुआ कि कोई केस ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का, और यह केस बंद कर दिया गया। लेकिन तब प्रतिशोध की भावना से अपनी गंदी घिनौनी राजनीति को दिखाते हुए मोदी सरकार ने तत्कालीन ईडी डायरेक्टर का तबादला किया, उनको पदमुक्त किया, और केस को दोबारा से खोला गया। और 7 साल बाद उनको याद आया है कि समन जारी करने चाहिए। आप कितने भी समन जारी कर लीजिए, आप कितना भी प्रतिशोध दिखा दीजिए, आप कितने भी कानूनी केस कर लीजिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ने को प्रतिबद्ध है, हमारा शीर्ष नेतृत्व लड़ने को प्रतिबद्ध है। और एक सवाल ये पूछना है कि क्या विचारधारा की इस लड़ाई में आप कांग्रेस की आवाज को अपनी पालतू ईडी से दबा पाएंगे? क्या कोर्ट्स में ये कानूनी रूप से आप सिद्ध कर पाएंगे? क्योंकि जब मनी संपत्ति कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुई तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे है? तो जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि एजेंसीज को अपना फ्रंटल बना देने से आप कुछ लोगों को डरा धमका कर उनका दमन कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुलंद आवाज को, हमारी सवाल पूछने की क्षमता को, हमारी निर्भीकता को और निडरता को आप कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। एक नहीं, 10 समय